नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना सीखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स। तो करना क्या है हमें, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अंश में भी हमने कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कर दिया और डिवाइड भी उतने से कर दिया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और ये नीचे वाले कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी मान लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉसेक एक्स का कितना होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और ये होता है कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इस माइनस को प्लस कर देगा और टी का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ऊपर से कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया जाए, ऊपर से यानी कि अंश से हम कॉमन लेंगे क्या कॉसेक एक्स। तो देखो इस वाले पद को पहले रखो, तो यहां एक कॉसेक एक्स बचेगा, तो ये कॉसेक एक्स हो गया, ये निकल गया बाहर, तो यहां पे बचा माइनस है, माइनस आया और यहां पे कॉट एक्स और ये dx इसके साथ एडजस्ट हो गया और ये हो गया dt। ठीक है, यानी कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx इक्वल टू dt, यानी कि ये पूरा dt के बराबर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करिए, लिख लीजिए यहां पे एक बार और एक स्टेप में लिख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx इज इक्वल टू ये dt के बराबर हो गया, तो यह आ जाएगा dt अपान t, है ना, dt अपान t हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कितना हो जाएगा 1 अपान t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, log t प्लस c, और t का वैल्यू रख दीजिए cosec x माइनस cot x, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log और ये cosec x माइनस का cot x प्लस c, है ना, ये क्लियर हुआ। अच्छा अब समझिएगा, अब अगर हम इसे और चेंज करना चाहें, यानी कि cosec x माइनस cot x को एक बार चेंज करके देख लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है, है ना, तो चेंज करके देखो, ये है cosec x, एक फार्मूला और निकालना चाह रहे हैं उसी के जुगाड़ में है। ठीक है, cosec x को हमने लिख दिया 1 बाई साइन x और इसको लिख दिया हमने cos x बाई साइन x, एलसीएम लिया तो हो गया 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाई साइन x, ऊपर वाले 1 को हटाना है तो फाइन का फार्मूला रख दीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस कितना 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में चेंज किया है हमने। ठीक है, इसकी जगह फार्मूला रखा है हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, चूंकि माइनस लगा हुआ था इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे भी साइन का हाफ एंगल का फार्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 से 1 को हटा दीजिए, अब हमारे पास क्या बचा, अब ये जब 1 हट जाएगा देखो ये 2 2 कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, ऊपर साइन एक्स बाई 2 है नीचे कॉस एक्स बाई 2 है, क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई 2, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्या बन जाएगा ये टेन एक्स बाई 2, ऊपर साइन एक्स बाई 2 एक बचा नीचे कॉस एक्स बाई 2, तो टेन एक्स बाई 2 बन जाएगा, यानी कि इसका एक फार्मूला हमारे पास और आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो सकता है लॉग लॉग मॉडुलस, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, तो ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का ही होता है ये, कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन या तो कर सकते हैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा कह सकते हैं कि लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।